बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। हमारे प्रदेश के मुखिया सम्मान्य शिवराज सिंह चौहान जी को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैंने इसके पहले 10 या 12 तारीख को एक लेटर लिखा था, जिसमें मैंने उनको अवगत कराया था कि जो संविदा कर्मचारी हैं, आशा कार्यकर्ताएं हैं, शिक्षक हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, जिन्हें जो बिल्कुल थोड़े से पैसों में अपनी सेवाएं दे रही हैं, और इस कोरोना काल में पिछली साल से लेके अभी तक वो अपनी सेवाएं बिल्कुल आत्मा से दे रहे हैं, अपनी परिवार की परवाह ना करते हुए। तो मैंने जो निवेदन CM साहब से किया था, उन्हें स्वीकार किया, और उनने ये जो संविदा के लोग हैं, आशाएं हैं, सभी लोगों को इनके लिए ये योजना एक लागू की है कि मतलब है उनको पहले कुछ नहीं मिलता था, ना उनको अनुकंपा नियुक्ति थी, ना उनको इलाज के लिए कोई भी पैसा मिलता था, और कोई घटना भी हो जाए तो ना उनको परिवार के लिए पैसे मिलते थे। तो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी जो दरियागल हैं, जो बहुत दयावान हैं, उन्होंने ये निवेदन स्वीकार किया है और सभी संविदा कर्मचारियों के लिए जी एक योजना निकाली है, जिसमें अब कोई भी अगर स्थिति घटना घटती है ऐसी, तो उनके लिए अनुकंपा नियुक्ति भी दी जाएगी और उनके परिवार को 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। ये बहुत बहुत अच्छा निर्णय लिया हमारे मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने। मैं पुनः उनका हृदय से धन्यवाद करना चाहती हूँ। बस एक निवेदन करना चाहती हूँ कि जो योजना उनने अभी 2020 जो योजना उनने 2021 से चालू की है, मैं चाहती हूँ कि 1 अप्रैल 2020 से चालू हो जाए, ताकि जो लोग इस कर्मचारी अभी मतलब संविदा के हैं, जो भी आशा बहनें हैं या शिक्षक हैं, जो भी संविदा वाले हैं, जो इस महामारी की चपेट में आए थे, उन्हें उसका लाभ मिले। मेरा आपसे निवेदन है CM साहब जी, आपसे बहुत करवद्ध निवेदन है कि इस योजना को आपने लागू तो किया ही है, इसको थोड़ा सा सुधार करके 2020 1 अप्रैल से चालू कर देंगे आप, तो आपको भी बहुत दुआएं मिलेंगी और उन परिवार को भी राहत मिलेगी जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं। और मुझे भरोसा है, आशा है, विश्वास है कि आप ये काम जरूर करेंगे, क्योंकि ये उन गरीब परिवारों की बात है जिनके परिवार छोटे छोटे से हैं और मतलब बिल्कुल गरीब स्थिति के हैं। तो आपके अंदर बहुत दरिया दिली है तो मुझे मालूम है, मैं जानती हूँ, और सभी कर्मचारियों के मेरे यहाँ बहुत फोन आए हैं कि दीदी अगर इसके लिए आप थोड़ी और चर्चा करें तो 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा, तो हमारे परिवार के साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है इस कोरोना काल को लेकर, तो हमारे परिवार को भी लाभ मिल जाएगा। तो जब आपने लाभ देने की सोच ही ली है और निर्णय भी ले लिया है, तो क्यों ना वो परिवार भी शामिल हो जाएं जिनको दुखी हैं और जिनके साथ ये घटना कोरोना काल में हुई है। और मैं सभी मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी और हमारी आशा कार्यकर्ता शिक्षक सभी से मैं एक आग्रह करना चाहती हूँ, आपकी छोटी बहन, आपकी बहन, आपकी बेटी आपके साथ है, अगर कोई भी ऐसी समस्या आती है आप मुझ तक पहुँचाएँ, और मुझे अपने भाई शिवराज सिंह जी हैं जो चौहान हमारे प्रदेश के मुखिया, मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी बात को सुनते हैं और बहुत अच्छे से मतलब उस पर विचार भी करते हैं, तो मैं उन तक जरूर पहुंचाऊंगी। अगर कोई भी परेशानी आती है आप पे इस पर करें, पहले तो ऐसी कोई दिक्कत आए ना, और अगर ऐसी हो तो मैं आपके साथ सदा